जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया यूनिवेरिएट सीपीएम मॉडल्स के बारे में बाय वेरिएट मॉडल्स के बारे में अब मैं डिस्कशन करने लगा हूं ट्राईवेरिएट वेरिएट कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हवाले से यह मॉडल जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं यह मॉडल सिक्स पैक्स मॉडल भी कहलाता है और इसको रेटर एंड एंडरसन ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया ये मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसने ट्राए uh, एस्पेक्ट लिया है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इस मॉडल को समझते हैं एक फिगर के थ्रू अगर आप इस मॉडल को अंडरस्टैंड करें बिकॉज इट इज ट्राई वेरिएट तो यहां पर तीन तरह के आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे ऑन वन साइड इट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द अदर साइड यू विल सी द कमिटमेंट एंड ऑन दर्ड साइड यू विल सी दी ग्रोथ पोटेंशियल और आपको आंसर यस yes या नो no में नजर आ रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिटेबिलिटी इज यस और नो द कमिटमेंट इज यस और नो एंड ग्रोथ पोटेंशियल इज यस और नो सो अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तो यस द कस्टमर इज प्रॉफिटेबल और नो इज नो द कस्टमर इज नॉट प्रॉफिटेबल कमिटमेंट के अंदर अगर हम यस yes की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट यस द कस्टमर इज कमिटेड और अगर हम नो no की बात कर रहे होंगे तो यस नो द कस्टमर इज नॉट कमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे होंगे सो यस द कस्टमर हैज ग्रोथ पोटेंशियल और नो no के केस के अंदर द कस्टमर डज नॉट हैव ग्रोथ पोटेंशियल तो हम इस सिक्स पैक मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन करके सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू लॉयल्टिस्ट ये जो यहां मौजूद है ये ट्रू लॉयल्स हैं ट्रूल ऑयल्स अब ये कौन लोग है ये वो लोग हैं जिनका कमिटमेंट लेवल इज यस हु आर कमिटेड विद यू एट द सेम टाइम दे आर प्रोफिटेबल एज वेल हाउएवर इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है सो दीज आर द कस्टमर्स हु प्रेफर यू एज देर सप्लायर एंड दे बाय देयर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम यू इसीलिए बिकॉज दे आर कमिटेड दे आर प्रॉफिटेबल दे ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क फॉर देम दो इनका ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज्यादा ना है सो so, इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कमिटमेंट और ग्रोथ के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कौन लोग हैं हु आर द कस्टमर ट्रू ट्रूल हैं हमारे साथ ये ट्रू लॉयल है अच्छा दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कस्टमर्स की के, जो के चेरी पिकर्स हैं ये चेरी पिकर्स की बात हो रही है ना हु आर द चेरी पिकर्स आर दी कस्टमर्स के जिनके प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम देम इज यस दे आर प्रॉफिटेबल बट देर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम देम ऑल्सो देर इज नो ग्रोथ पोटेंशियल तो दे आर द कस्टमर हु एक्चुअली प्रेफर एन अदर सप्लायर बट दे आर फोर्स टू बाय फ्रॉम यू ड्यू टू मे बी लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव या मैं इस तरीके से भी बात करता हूं कि चेरी पिकर्स वो लोग भी हैं वो कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने फॉर द टाइमिंग आपसे बाई की है ऑल दो दे आर प्रॉफिटेबल कस्टमर बट दे आर नॉट कमिटेड टू यू दे विल मूव टू दिन आपको छोड़ के कॉम्पिटिशन के पास ये चले जाएंगे जो तीसरी तरह के कस्टमर्स हमारे पास हैं कस्टमर पोर्टफोलियोज हमारे पास हैं वो ये पोटेंशियल हैं अब जो पोटेंशियल्स कहलाते हैं ये वो लोग हैं कि वो कस्टमर पोर्टफोलियोज हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर जिनकी कमिटमेंट भी मौजूद है एंड देयर ग्रोथ पोटेंशियल इज आल्सो हाई सो कस्टमर्स हु प्रेफर यू एज ए सप्लायर बट हु स्टिल बाय फ्रॉम सम अदर प्लेसेस, व्हिच मींस दे हैव ह्यूज पोटेंशियल दे कैन वर्क फ्रॉम यू दे कैन बाय मोर फ्रॉम यू एंड दे कुड टर्न आउट टू बी अ ट्रू लॉय एज वेल सो पोटेंशियल की वो कस्टमर पोर्टफोलियोज हैं विच आर कमिटेड पोर्टफोलियोज विच आर प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियोज एंड अल्टीमेटली ये वो पोर्टफोलियोज कि जिनका ग्रोथ पोटेंशियल भी मौजूद है बट दे आर नॉट 100% परसेंट बाइंग ओनली फ्रॉम यू सो विच मींस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज वेल जो फोर्थ हमारे पास तरह का पोर्टफोलियो है वो स्केप्टिक्स कहलाते हैं स्केप्टिक्स ये वो कस्टमर्स हैं के जो के प्रॉफिटेबल कस्टमर तो हैं बट दे आर नॉट कमिटेड हाउ इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी मौजूद है सो दे आर द कस्टमर्स प्रेफर यू एज ए सप्लायर ड्यू टू प्रोडक्ट एक्सेलेंस और मे बी ड्यू टू द रिलेश मे बी बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी विद देम बट आर स्केप्टिकल्स एट द मोमेंट जो के कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जा सकते हैं या चले जाते हैं क्योंकि अगर आप देखें जो स्केप्टिक्स हैं इनकी कमिटमेंट लेवल नो है

एज परपोज बाय रिटर्न एंड एंडरसन सिक्स पैक मॉडल के अंदर वो है काउ बॉयज नाउ दीज आर द पोर्टफोलियोज़ जिनका कमिटमेंट लेवल नहीं है हु आर नॉट कमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन हु आर नाइदर प्रॉफिटेबल एट द सेम टाइम तो काउ बॉयज आर द कस्टमर्स हु प्रेस प्राइसेज लॉ एंड एथिक्स बियॉन्ड लिमिट हु ट्राई टू गेट मैक्सिमम लो प्राइसेज फ्रॉम यू जो चाहेंगे कि जितना ज्यादा आपको पुश कर सके वो करें बट एट एंड ऑफ द डे दीज आर नॉट दी कस्टमर पोर्टफोलियोज दैट दी ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटिंग बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये लॉयल कस्टमर्स हैं ये वो कस्टमर्स हैं जिनको जो फोकस है ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ये वाले कस्टमर्स हु आर पोटेंशियल एज वेल ये टारगेट है क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि कमिटेड भी हैं यही वो लोग हैं यही वो पोर्टफोलियोज हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं सो दी पीपल दोर्टफोलियोज द कस्टमर्स हु आर लाइक का वाइज आर नेवर अरिटी फॉर एनी बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए आपको ये जो मैंने वेरिएट माई वेरिएट मॉडल शेयर किया ये एक्सप्लेन करता है आपको सिक्स डिफरेंट टाइप्स में कस्टमर पोर्टफोलियोज को बड़े बेहतर तरीके से स्पेसिफाई करने में ऑन द थ्री मेजर पैरामीटर्स